नमस्कार, स्वागत है आपका NS न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं हूं रंजिता पठारे। तो कल सबने दिवाली खूब मनाई, खूब पटाखे फोड़े, खूब मिठाइयां बांटी और खूब प्रदूषण भी फैलाया। दिवाली के दूसरे दिन यानी कि आज अन्नकूट या गोवर्धन पूजा की जाती है। यह प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ श्री कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार पर पर्वत के रूप में गोवर्धन की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। यह पूजा ब्रज से प्रारंभ हुई थी, धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। इस बार यह पूजा 28 अक्टूबर यानी आज के दिन है। अब सबके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर दिवाली के अगले दिन ही क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। तो आज हम जानते हैं कि दिवाली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा मनाने का क्या महत्व है। गोवर्धन पूजा से श्री कृष्ण की एक लीला जुड़ी हुई है। मान्यता है कि ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करने के लिए तैयारियों में लगे थे। सभी पूजा में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए अपना अपना सामर्थ्य अनुसार सभी इंद्रदेव के लिए प्रसाद और भोग की व्यवस्था में लगे हुए थे। यह सब देखकर श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से सवाल किया कि आप किसकी पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। इस पर माता ने उन्हें उत्तर दिया कि वे इंद्रदेव की पूजा की तैयारियों में लगी हुई है। मैया ने बताया कि इंद्र वर्षा करते हैं और उसी से हमें अन्न और हमारी गायों के लिए घास चारा मिलता है। यह सुनकर कृष्ण जी ने तुरंत कहा, मैया हमारी गाय तो अन्न गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती है, तो हमारे लिए वही पूजनीय होना चाहिए। इंद्रदेव तो घमंडी है, वह कभी दर्शन नहीं देते। कृष्ण की बात मानते हुए सभी ब्रजवासियों ने इंद्रदेव के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इस पर क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। वर्षा को बाढ़ का रूप लेते देख सभी ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण को कोसने लगे, कहने लगे कि आपने ये क्या कर दिया, आपके कारण देखे इंद्रदेव रुष्ट हो गए। अगर हम भगवान इंद्र की पूजा करते तो वे हमसे खुश होते और हमें उतनी ही वर्षा कर देते जितनी हमें जरूरत है। अब हमारी और हमारे पशुओं की जान खतरे में, हमारी फसलें तबाह हो जाएगी। तब कृष्ण जी ने वर्षा से लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी काली उंगली पर उठा लिया था। इसके बाद सभी गंगावासियों ने अपनी गायों सहित पर्वत के नीचे शरण ले ली। इससे इंद्रदेव और अधिक क्रोधित हो गए तथा वर्षा की गति को और तेज कर दिया। अब इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से मेट बनाकर पर्वत की ओर पानी आने को रोकने के लिए कहा। रात दिन मूसलाधार वर्षा कराते रहे इंद्र। कृष्ण ने सातों दिन तक लगातार पर्वत को अपने इस उंगली पर, अपने हाथ पर उठाए रखा। इतना समय बीत जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब वह ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु अवतार है। इतना सुनते ही श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करने लगे। इसके बाद इंद्रदेव ने कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा कायम है। मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस दिन गाय के गोबर के टीले बनाने की भी परंपरा है, जिन्हें फूलों से सजाया जाता है और इन्हें इनके आसपास दीपक जलाए जाते हैं। इन टीलों की परिक्रमा भी की जाती है, जिसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के जैसा माना जाता है। वहीं कहीं कई जगह पर घर के दोनों ओर, घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके दोनों ओर गोवर्धन से गोंधन मनाए जाते हैं। छोटी छोटी पुतलियां बनाई जाती है, खाने की सामग्री बनाई जाती है, रसोई की सामग्री बनाई जाती है और उन पर फूल बरसाए जाते हैं। फूलों के साथ उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद में ऐसा माना जाता है कि ये भी गोवर्धन पर्वत के जैसे ही है। अब हम जानते हैं कि कैसे होती है अन्नकूट की पूजा। वेदों में दिन वरुण इंद्र अग्नि की पूजा की जाती है, यानी आज के दिन साथ में गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है, उन्हें फल और मिठाइयां खिलाई जाती है। गाय के गोवर्धन से पर्वत की प्राकृतिक बनाई जाती है, मतलब एक आकृति आप तैयार कर सकते हैं गोवर्धन पर्वत जैसी। इसके बाद उसकी पुष्प धूप दीप से उपासना की जाती है। इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है। भोजन में विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। कई जगह पर तो आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो ऐसी की जाती है गोवर्धन पूजा। आशा करते हैं कि आपको भी आज का ये त्यौहार बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फलदायी हो आपके लिए, आपके परिवार के लिए। और अन्नकूट का महोत्सव अगर हम सबके साथ नहीं मना सकते, कम से कम अपना सारा परिवार, अपने सारे परिवार के साथ एक
रसोई में खाना बनाइए, भले आप अलग अलग रहते हो लेकिन एक रसोई में आए और खाना बनाए और अन्नकूट का ये महोत्सव भी मनाए। आज के लिए बस इतना ही था, ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव के साथ। थैंक यू।